हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोनिका और आज हम करेंगे समाज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 है जो क्लास 10th की। और आज भी हम संसाधनों के बारे में जानेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, चलिए वर्कशीट को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से माननीय है, वो एक संसाधन है। संसाधन, हमारे साधन, कुछ काम आने वाले संसाधन, ठीक है, हमारी आवश्यकताओं को पूरे करने वाले संसाधन, ठीक है, उनको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, जिससे हम उनको और अपने काम में ला सकते हैं। तो और आर्थिक रूप से वो संभावी हैं, आर्थिक रूप से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, संसाधन। कोई भी चीज़ हमारे आसपास है, ठीक है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि सभी संसाधन जो है हमें प्रकृति ने दिए हैं। कुछ कुछ संसाधन तो ऐसे हैं कि जिनको हम मानव खुद हमने बनाया है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। तो हम अपने लिए उपयोगी बनाते हैं संसाधन को। तो सबसे ज़रूरी जो हमारे लिए संसाधन है वो खुद हम मनुष्य ही हैं, ठीक है, मानव। और मानव ना हो तो हम जो सारे प्राकृतिक रूप से संसाधन हमारे आसपास अवेलेबल हैं, पदार्थ हमारे आसपास अवेलेबल हैं, उनको हम संसाधन में परिवर्तित करते हैं ताकि उसका प्रयोग किया जा सके। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं फिर संसाधनों के? एक तो है उत्पत्ति के आधार पर कि जैव हैं या अजैव है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, जीवित हैं या नहीं, ठीक है ना, थिंग्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, क्या है, जैव अजैव, ठीक है। फिर समाप्त्या के आधार पर कि मतलब कि कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे वो, ठीक है, कब तक चलेंगे वो। तो एक हो गया आपका नवीकरणीय, ये तो आप सब जानते हैं। दूसरा हो गया अनवीकरणीय, जिनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये तो हमने बहुत बारी किया हुआ है, इसके तो एग्जाम्पल्स आप मुझे खुद बता सकते हो। स्वामित्व के आधार पर कि कौन है उसका स्वामी, मतलब उसको कंट्रोल किस पे है, किसके पास है उसका कंट्रोल। व्यक्तिगत संसाधन मतलब जो संसाधन एक व्यक्ति के पास उसका संभालने का कंट्रोल है, इस्तेमाल करने का कंट्रोल है। सामुदायिक, पूरा समुदाय यूज़ कर सकता है। राष्ट्रीय, पूरा देश यूज़ कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय, बाहर का कोई भी देश, है ना, सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर। चौथा और आखिरी, विकास के स्तर के आधार पर, ऐसे संसाधन हैं जो संभावी संसाधन हैं, ऐसे हैं जो विकसित भंडार है जिसको हम यूज़ कर चुके हैं, ऐसे हैं संचित कोष जो अभी हमारे पास रिजर्व्ड हैं, पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किए गए, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा टेबल में देखते हैं। बहुत ही ईजी सा टेबल है, आपके NCERT की टेक्स्ट बुक का टेबल है। इसको आप अगर बना लेंगे आपकी नोटबुक में, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। आप बहुत आसानी से संसाधनों के बारे में लर्न कर सकते हो इस छोटे से फ्लो चार्ट से। तो इसको अपने रजिस्टर में आप ज़रूर बनाएंगे इस वर्कशीट के साथ, ठीक है। इसमें देखो सारी, इसमें वर्गीकरण दिया हुआ है, किस किस प्रकार के होते हैं सब दिया हुआ है, ठीक है, ये ज़रूर लिखिएगा आप। और आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे थोड़े से उदाहरण पढ़ रही हूँ। मैं प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय जो है, देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं पवन, जल, है ना, ये समझते हैं आप। और यहाँ पे जैव में दिए हुए हैं जो जीवित होते हैं, जैसे वनस्पति होती है, वन्य जीव जो होते हैं सारे, एनिमल्स वगैरह वो होते हैं उसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अनवीकरणीय, जो हम दोबारा इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है, जैसे धातुएं हो जाती हैं, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, आपके पेट्रोल, कोल, उसमें ये आ जाता है। तो ये टेबल बना लेना ज़रूर आप, ठीक है, और नीचे ही एग्जाम्पल लिख लेना जैसे अभी हमने बोले हैं। बस हो गई वर्कशीट, सिंपल सी है, बस आपको इसका मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। कि नहीं, दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता दो, कोई भी दो प्राकृतिक संसाधन, अभी तो मैंने यहीं पे आपको बताए, है ना, आप वन लिख सकते हो, वृक्ष लिख सकते हो, ठीक है, और कौन लिख सकते हो आप, जीव जंतु लिख सकते हो, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में जल लिख सकते हो, ठीक है, लिख दोगे ना यहाँ पे, यहाँ पे लिख देना, कोई भी दो लिखने हैं आपको, कोई भी दो लिख दीजिएगा। आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों? अब इसका जवाब देना बहुत आसान है, बताओ क्यों। मैंने पहली वर्कशीट में पढ़ दिया था कि सबसे मूल्यवान संसाधन है जो, वो कौन है, मानव खुद, है ना, मनुष्य या मानव, आपको जो लिखना है वो दोनों में से कुछ एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मानव सबसे मूल्य संसाधन है क्योंकि वे ही बाकी और जो पदार्थ हैं, ये यहाँ से लिखना आपने, ये देखिए कुछ थोड़ा आप खुद भी करा करिए, जैसे देखिए ये मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है, उन्हें प्रयोग करते हैं,
तो देख रहे हैं आप, ये लिख देना आप इसमें कि मानव ही जो है प्रकृति में पर्यावरण में पाए गए पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है, इसीलिए मानव जो है वो सबसे बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है, इजी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, कर लोगे आप। किन्हीं दो नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण दो, जल्दी से बता दो, अभी बताया था, कुछ भी लिख सकते हो आप, जल लिख सकते हो, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, पवन लिख सकते हो, ठीक है, सौर ऊर्जा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, प्राकृतिक वनस्पति लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। फिर आ गया, वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है, वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों मानते हैं, हमें वन्य जीवों से क्या क्या मिलता है, आप खुद बताइए, वन्य जीवन की वजह से हमें क्या मिलता है, हम कितने सारे वन्य जीव जो होते हैं उनकी वजह से जो है प्रकृति में संतुलन बना रहता है ना, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रकृति में संतुलन बना रहता है, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, हमारे लिए आवश्यक भी हैं वो, और हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनकी खाल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उनकी खाल का इस्तेमाल होता है, उनसे हमें ऊन मिलती है, वूल मिलती है, ठीक है, मीट मिलता है, और क्या होता है, मिल्क मिलता है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि वन्य जीव हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, ये तो बेटा हम क्लास 7, 6, 7, 8 से पढ़ रहे हैं, आई वॉन्ट टू राइट दिस आंसर ऑन योर ओन, कर लेंगे ना आप इसको, बहुत आसान है कि हमें वन्य जीवों से क्या क्या मिलता है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, तो ये ज़रूर लिखना, सबसे पहले पॉइंट में तो ये लिख देना, प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, फिर उसके बाद उनकी से जो हमें जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो लिख देना, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, आई होप आपको समझ में आई होगी, एक बार ये NCERT की टेक्स्ट बुक भी ज़रूर आप उसमें से पढ़ेंगे, आज संसाधन का जो फर्स्ट 2 पेजेस है ना उसको रीड कर लेना आप एक बार, आपकी रिविजन होगी अच्छी से। ठीक है, बुक बेटा बहुत ज़रूरी है पढ़नी, दीज वर्कशीट्स आर हेल्पफुल, दे गाइड यू, आपकी मदद करती हैं आपके चैप्टर को आसान तरीके से समझने में, लेकिन जो पूरा कंटेंट है आपका वो आपको बुक से ज़रूर देखना है। ओके, चलिए मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।